सेवेटेक्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ना। देखिए यहाँ पे एक स्लैब रखी हुई है ना, और यहाँ पे एक स्लैब है, ग्लास स्लैब, और एक रे ऐसे आ रही है, दिस एंगल इज आई, ठीक है। ये वर्टिकल साइड है और ये हॉरिजॉन्टल साइड है, ग्लास स्लैब है। तो यहाँ पे पहुँच के क्या होगा, अभी मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ है क्या एग्जैक्टली। पहले इसका रे डायग्राम बना के देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये रे कैसे कैसे जाएगी, अभी आपका आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मुझे बताओ ये रे किस किस पाथ को फॉलो करेगी। ये ऐसे आई एंगल पे आ रही रे, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पहुँच के क्या होगा, यहाँ पहुँच के होगा रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद ये रे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, तो ऐसे ना जाके हल्का सा ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। यहाँ पे रे पहुँचेगी ऐसे, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी ना, इस बार रे ऐसे बाहर निकल जाएगी हल्का सा, अवे हल्का सा अपने पाथ से डेविएट करेगी और रे ऐसे निकल जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो हो सकता है रे बाहर ना जाके रे अंदर भी आ सकती है, तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये पार्ट ए है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आई, क्वेश्चन नोट कर लेना, टी आई आर टेक्स प्लेस एट हॉरिजॉन्टल सरफेस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आई टी आर टेक्स प्लेस एट दिस सर्फेस। यहाँ पे टी आर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन, वीडियो पॉज करो अपने आप निकालो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन, ठीक है। तो ये एंगल अगर आई होगा, ठीक है, तो आई बड़ा बनाते हैं यार, दिस विल बी आई, ठीक है, हल्का सा बेंड करेगी, एंड दिस विल बी आर, ठीक है, एंड दिस एंगल विल बी 90 माइनस आर। अभी भी वीडियो पॉज करके अपने आप सोचो यार, ठीक है, आंसर एन के टर्म में आएगा, अगर आपने निकाले तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। वीडियो पॉज करो अपने आप सोचो कि आर दिस इज 90 माइनस आर, मैंने आपको आपके लिए ऑलमोस्ट सारा काम पूरा कर दिया है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन, तो अगर 90 माइनस आर की वैल्यू सी के इक्वल हो गई तो काम हो जाएगा आपका, क्यों भाई, अगर 90 माइनस आर का सी के बराबर हो गया तो ये बिल्कुल रे ऐसे चली जाएगी, मतलब ये बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगी, क्रिटिकल एंगल पे आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे मैं आप स्टेटमेंट, आप शायद मैं क्या स्टेटमेंट बोला, मैंने आपको टी आर बोल दिया, बट एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आई दिस रे पासेस पैरेलल टू दिस सरफेस, बिल्कुल ऐसे ग्रेजिंग, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग वर्ड, ग्रेजिंग इमरजेंस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल। तो ये ऐसा तभी होगा, ये एंगल तभी आपका 90 बनेगा जब आपका अंदर वाला एंगल सी के बराबर हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, दोनों तरफ साइन लेते हैं, तो साइन 90 माइनस आर इज साइन सी, दिस इज कॉस आर इज साइन सी, ठीक है, कॉस आर इज साइन सी हमारी इक्वेशन बना भी, ठीक है। अभी हमें वैल्यू तो आई की पता करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा उसका अप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू साइन आई, यहाँ पे ऐसा अप्लाई करते हैं, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन इंटू साइन आर, तो साइन आई इज एन इंटू साइन आर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर, कॉस आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो साइन आई इज इक्वल टू एन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन सी 1/n होता है, तो साइन आई इक्वल टू एन 1 माइनस 1/n स्क्वायर। सॉल्व करोगे आप तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना साइन आई इज अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये वो एंगल है जहां पे ये रे बिल्कुल पैरेलल निकलेगी फॉर दिस एंगल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रे को बाहर नहीं निकलना है तो क्या होगा, अभी तो वो कंडीशन आई, इवन रे इमरजेंस, रे का इमरजेंस
ग्रेजिंग इमरजेंसी बिल्कुल पैरेलल निकल रही है। मान लो आपसे बोल देता है कि नहीं हमें रे सेकंड सरफेस से बाहर नहीं निकलनी, हॉरिजॉन्टल से बाहर नहीं निकल रही है, तो व्हाट शुड बी, तो आप आई की रेंज बताइए, आई कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, सो दैट दिस रे इज टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड इनटू द मीडियम। तो हमने ये पता कर लिया कि इस एंगल पर रे को बाहर निकलना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इस एंगल को कम करूंगा आई को, अगर मैं आई को कम करूंगा तो क्या होगा बताओ, आई को कम करने पे आर भी कम होगा। इस जो ये वैल्यू आई है, दिस वैल्यू जो मैंने निकाली है, अगर मैं आई की वैल्यू इससे कम करूं हल्का सा, तो अगर मैं आई को कम करूंगा तो यार आर भी कम हो जाएगा, और आर कम हो जाएगा तो 90 माइनस आर बढ़ेगा, तो अगर 90 माइनस आर बढ़ गया तो फिर टी आई आर हो जाएगा। क्यों? अभी तो क्रिटिकल एंगल पे जा रहा है ना ये, दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल, हमने इसको क्रिटिकल एंगल के इक्वल कर दिया है, तो हमने प्रूफ किया है कि साइन आई की वैल्यू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन है। लेकिन अगर मैं इससे कम करूंगा, आई को इससे कम करूंगा, तो आर इससे कम होगा, और आर के कम होने पे ये एंगल बड़ा हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, तो रे मीडियम में वापस आ जाएगी। तो कंडीशन क्या होगी कि आई शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। अच्छा, आई को बड़ा कर लेते हैं, चलो समझ तो गए हो गए। अगर मैं आई को बड़ा करूंगा तो क्या होगा, आई को बड़ा करने पर आर भी बड़ा हो जाएगा, और आर बड़ा होगा अगर तो ये 90 माइनस आर छोटा हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये दोनों, समझे। आर को बड़ा करोगे तो 90 माइनस आर हमेशा छोटा आएगा, छोटा आएगा तो ये एंगल क्रिटिकल से कम हो जाएगा, और क्रिटिकल से कम होगा तो फिर रे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन गई कि इफ रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम फ्रॉम दिस सरफेस, आई शुड बी लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। ये इनइक्वालिटी का साइन आता है, और क्वेश्चन बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। इफ आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन, देन इसको क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब होता है कि रे बिल्कुल पैरेलल निकल रही है, एंड इफ आई इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन, देन ये सरफेस से, ये इमरजेंस की कंडीशन है, दिस इज कंडीशन ऑफ इमरजेंस फ्रॉम दिस सरफेस, तो रे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इस पे जेई में घुमा फिरा के बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट टू हो गया, ये कॉन्सेप्ट टू था ऑफ टी आई आर।